सो हे गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक टू माई अनदर चैनल। सो गाइज, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे आप बनाएंगे स्लाइम एक्टिवेटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको लेना है वाटर। सो गाइज, पहले हम बाउल में बना लेंगे एंड फिर हम उसे शिफ्ट करेंगे कंटेनर में। तो चलिए, अब नेक्स्ट आपको ऐड करना है सॉल्ट। तो आप सॉल्ट भी ऐड कर सकते हो एंड इवन बेकिंग सोडा भी ऐड कर सकते हो, दोनों भी ऑप्शन है, दोनों भी वर्क करता है। तो यहाँ पर मैं सॉल्ट यूज़ कर रही हूँ बिकॉज ये बहुत लोगों के पास ईजीली अवेलेबल होगा, इनफैक्ट सभी के पास अवेलेबल होता है। ठीक है, तो अब इसे अच्छे से आपको पहले मिक्स करना है, ताकि जब तक मिक्स करना है जब तक आपका ये सॉल्ट कम्प्लीटली डिसॉल्व ना हो जाए। तो चलिए अभी इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ मैं। तो मिक्स करने के बाद नेक्स्ट चीज़ आपको ऐड करनी होगी डिटर्जेंट पाउडर। ठीक है, ये इसके जगह एक और चीज़ ऑप्शनल होती है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी, आपको पूरा डिटेल ट्यूटोरियल मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। ठीक है, तो अब आपको ऐड करना है डिटर्जेंट पाउडर। तो आप कोई भी तरीके का डिटर्जेंट पाउडर यूज़ कर सकते हो, जो भी आपके एरिया में आपके इधर इजीली अवेलेबल हो वो यूज़ कर सकते हो। बेस्ट जो रहता है ना इजीली, मतलब आप एकदम स्लाइम में बिगनर हो, अभी आपने मतलब बहुत सारी स्लाइम नहीं बनाई है, आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं रिकमेंड करूँगी आपको बोरक्स डिटर्जेंट आप यूज़ करोगे ना तो ईजीली आपकी स्लाइम बन जाएगी। लेकिन वो बहुत लोगों के पास अवेलेबल नहीं होता है, आपको वो अमेज़ॉन से ही परचेज़ करना पड़ेगा। मैंने भी परचेज़ किया था अमेज़ॉन से बोरक्स डिटर्जेंट। तो अगर आप वो यूज़ करते हो तो बहुत इजीली आपकी स्लाइम बन जाएगी, नहीं तो आप कोई भी डिटर्जेंट यूज़ कर सकते हो। बेस्ट रिकमेंड करूँगी एरियल, तो यहाँ पर एरियल डिटर्जेंट लिया है मैंने। तो चलिए अभी इन दोनों को अच्छे से मिक्स करोगे तो इस तरीके से फोमी जैसा ये कुछ बन जाता है। अब आपको लेना है इसे कोई भी कंटेनर में, शिफ्ट करूँगी मैं इसे ताकि हम इसे स्टोर कर पाएँ। तो चलिए, प्लास्टिक कंटेनर लिया है मैंने एंड इसी में मैं इसे स्टोर कर दूँगी। तो देखिए गाइस, ये अब इतना सिंपल स्टेप था, आपका स्लाइम एक्टिवेटर रेडी हो जाएगा। ये होममेड स्लाइम एक्टिवेटर है। देखिए, अब चलिए इसे लेबलिंग कर देते हैं, हमारा जो एक्टिवेटर है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो देखिए गाइस, हमारा होममेड स्लाइम एक्टिवेटर रेडी है। बहुत दिनों से सब डिमांड कर रहे थे स्लाइम एक्टिवेटर की, बिकॉज हम जो स्लाइम का जो मेन जो चीज़ होती है वो एक्टिवेटर ही होती है। अगर वो नहीं होगा आपके पास तो आप स्लाइम नहीं बना पाओगे। एंड जब स्लाइम ऐसे और स्लाइम एक्टिवेटर यूज़ करने के बाद भी आपको बहुत सारी डिटेल, बहुत सारी चीज़ें मतलब ध्यान में रखते हुए बनाना है। अगर आप वो सारी चीज़ें मिस करते हो तब भी आपकी स्लाइम नहीं बनेगी। इनफैक्ट अगर आपके पास स्लाइम एक्टिवेटर है तभी, जैसे कि आपने अगर वाटर की क्वांटिटी कम ऐड की है तो वो हार्ड हो जाएगी, इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें। तो आगे वीडियो में मैं आपको बताती रहूँगी। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना है, इसी तरीके की और अमेजिंग वीडियोज़ के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय।